आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, चार्ली स्नूकर क्लब में जूनियर आल पाक पतंग स्नूकर टूर्नामेंट हो रहा है, जिसका पहले राउंड का आज आपको 13वां मैच दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगा राणा फहीम साहब को। मैं आपको खिलाड़ियों से मुतारफ करवाना चाहता हूँ। जी राणा फहीम साहब इधर आए। ये जी राणा फहीम साहब है। और दूसरे खिलाड़ी सखावत साहब को मैं दावत दूंगा कि सखावत साहब इधर आए। तो दोस्तों, ये सखावत और राणा फहीम साहब के दरमियान आज जूनियर आल पाक पतंग पहले राउंड का 13वां मैच शुरू होने वाला है। तो इस मैच की टॉस हो चुकी है। सबसे पहले राणा फहीम साहब ब्रेक करेंगे। तो दोस्तों, आए हम आपको इस मैच की एंजॉय करवाते हैं। जी फहीम साहब, जी राणा फहीम साहब ये ब्रेक कर रहे हैं। बहुत अच्छी शॉट राणा फहीम साहब की, एक आसान शॉट थी और बहुत अच्छा प्लेस लिया ब्लू बॉल पर इन्होंने। राणा फहीम साहब का इस वक्त बहुत अच्छी शॉट राणा बहुत अच्छी शॉट सखावत बहुत अच्छी शॉट के लिए राणा फहीम ने। राणा फहीम के इस वक्त 13 स्कोर। बहुत अच्छी शॉट सखावत, सखावत ने ब्लैक बॉल पॉकेट किया। इस वक्त राणा फहीम के 6 स्कोर। सखावत ने बहुत अच्छी शॉट येलो की पॉकेट की, 4 स्कोर। और ये बहुत अच्छी शॉट 3 स्कोर राणा फहीम का। अब 1 स्कोर हो गया सखावत। बहुत शॉट खेली राणा फहीम ने। राणा फहीम के 4 स्कोर। और दोस्तों, ये पहला राउंड राणा फहीम ने विन कर लिया। राणा फहीम के लिए बहुत सी तालियां। तो दोस्तों, अब ये दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। अगर दूसरा राउंड राणा फहीम विन हुए तो जूनियर आल पाक पतंग पहले राउंड के 13वें मैच के विनर राणा फहीम होंगे। अगर सखावत विन हुआ तो ये बेस्ट ऑफ 3 पे मुकाबला है। ये फिर तीसरा फ्रेम लगेगा। अब ये दूसरी ब्रेक की बारी सखावत की आ गई। ऐसा
बहुत अच्छी शॉट राणा फहीम की। एक आसान शॉट थी जो पिंक बॉल उन्होंने ट्राई की, मिस कर गए। इस वक्त अंपायर स्कोर बोर्ड वाले अंपायर स्कोर, एक स्कोर राणा फहीम का। बहुत अच्छी शॉट राणा फहीम की, बहुत अच्छी ब्लू बॉल विकेट की इसने। 7 स्कोर राणा फहीम का। ये एक गुड लक के साथ सखावत ने रेड बॉल को पॉकेट किया और ये दोनों खिलाड़ियों का स्कोर बराबर हो गया। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को मौका देना नहीं चाहते, ये बार बार सेफ्टी की शॉट खेल रही है। सखावत ने हिट किया लेकिन नाकाम रहे। एक आसान रेड बॉल जो राणा फहीम को मिल गई है, देखते हैं क्या करता है। बहुत अच्छी शॉट राणा फहीम। और राणा फहीम ने सखावत की एक गलती का बहुत अच्छा फायदा उठाते हुए ब्लैक बॉल को पॉकेट किया। 8 स्कोर राणा फहीम का। क्यू बॉल को साइड देकर रेड बॉल को अच्छा सेव किया सखावत ने। और ये क्या है
बहुत अच्छी शॉट, सखावत, एक रेड को पॉकेट किया और ये काफ़ी हार्ड कट था लेकिन ट्राई की, नाकाम रहे। 7 स्कोर राणा फहीम। ये सेफ करने की कोशिश कर रहे थे, सखावत नाकाम रहे और ये 4 नंबर का फाउल हो गया। इस वक्त राणा फहीम का 11 स्कोर। थोड़ी सी हार्ड ट्राई थी लेकिन कोशिश की, लेकिन सखावत नाकाम रहे। और फहीम से ये 4 नंबर का फाउल हो गया। 7 स्कोर फहीम के। बहुत अच्छी स्नूकर की ट्राई, राणा फहीम कामयाब हो गए। अब देखते हैं सखावत क्या करते हैं। सखावत भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी शॉट सखावत की। सखावत ने बहुत अच्छा खेला और रेड बॉल को टच कर गए। बहुत अच्छी शॉट राणा फहीम। बहुत अच्छी शॉट चली राणा फहीम ने। राणा फहीम के 11 स्कोर। ग्यारह स्कोर राणा फहीम के। ये कलर पर 11 स्कोर का बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स मिल गया है राणा फहीम को। कलर बॉल पर गेम, बहुत अच्छी शॉट। आप
राणा फहीम का तेरा शुक्र सेफ्टी की एक अच्छी शॉट थी जो थर्ड मारकर बहुत उम्दा सखावत नौ स्कोर राणा फहीम के काफी हार्ड शॉट थी काफी मुश्किल ट्राई की नौ स्कोर इस वक्त राणा फहीम दस सॉरी जी तेरा दस स्कोर राणा फहीम के बहुत अच्छे लॉन्ग शॉट थे राणा फहीम कामयाब हुए राणा फहीम के 14 स्कोर सखावत से पांच नंबर का फॉल हो गया नौ स्कोर दोस्तों राणा फहीम साहब अगर ये ब्लू बॉल पॉकेट करते हैं तो ये दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और दोस्तों ये टूर्नामेंट राणा फहीम ने विन कर लिया पहले राउंड का तेरहवां मैच राणा फहीम को बहुत बहुत मुबारक हो तो दोस्तों आपने ये जूनियर आल पाकिस्तान स्नूकर टूर्नामेंट का मैच देखा आपने एंजॉय किया सबसे पहले मैं दावत दूंगा आज के मेहमान खसूसी अधीर चौहान साहब को अधीर चौहान के लिए बहुत सारी तारियां तो दोस्तों आज मैं दावत दूंगा राणा फहीम को कि राणा फहीम साहब भी आए राणा फहीम के लिए बहुत सारी तारियां ये राणा फहीम आज इस टूर्नामेंट में विन हुए हैं इन्होंने जूनियर आल पाकिस्तान टूर्नामेंट में पहले राउंड का तेरहवां मैच विन कर किया है दोस्तों जो खिलाड़ी अच्छा खेले जीत उनका मुकद्दर बनी जो खिलाड़ी बुरा खेले वो फिर से कोशिश करें तो मैं आज दावत दूंगा अधीर चौहान साहब को कि वो राणा फहीम साहब को ये ट्रॉफी पेश करें सलाम ले लो और ये राणा फहीम साहब के लिए बहुत सारी तालियां तो दोस्तों आपको हमारा ये टूर्नामेंट पसंद आया हो तो हमारे इस चार्ली स्नूकर स्टूडियो को सब्सक्राइब करें
और साथ में घंटी का बटन दबाना ना भूलें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।